हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे आशा है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के वीडियो में आलू और परवल की सब्जी रेसिपी अपनाएंगे। सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम आलू को जो है यहाँ पे फ्राई करेंगे। आलू हमने यहाँ पे बॉयल नहीं किया है, आलू को कट किया है। तो अच्छे से इसको ऑयल में जो है फ्राई करके निकाल लेंगे, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे इसी के साथ परवल को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे इस तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और वीडियो कैसी लगी आज की, ज़रूर कॉम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिएगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। सो आज की वीडियो में बताइएगा कि क्या अच्छा रहा क्या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे परवल को निकाल लेंगे आलू के साथ ही में। तो यहाँ पे परवल को अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे कि थोड़ा सा जीरा पंचफोरन ऐड करेंगे, थोड़ी सी मिर्च ऐड करेंगे। उसके बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से चटका लेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से चटक जाएंगी तो यहाँ पे बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, जैसे कि देख सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हल्का गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, इन सभी चीज़ों को कच्ची से जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को भी अच्छे से सॉफ्ट करेंगे। उसके बाद साथ ही में यहाँ पर डालेंगे थोड़ी सी टमाटर ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब ऐड करेंगे थोड़ी सी आधा छोटा चम्मच नमक, ताकि सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अच्छे से हमें सॉफ्ट करनी है। यहाँ पे सारी चीज़ों को जो है अच्छे से भूनना है। तो इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे। जैसे ही सारी चीज़ें भून जाएंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि परवल के दाने को अच्छे से हमने पीस लिया है। और इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमने प्याज वगैरह सारी चीज़ अच्छे से सॉफ्ट कर लिया ना, तो यहाँ पे अभी आधा छोटा चम्मच चुटकी भर मिक्स मसाला ऐड करेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना, जो परवल के जो दाने होते हैं उनको इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों में। और प्याज और उसके दाने को जो है आपस में भूनने देंगे। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से भून जाएंगी, पक जाएंगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला ऐड करेंगे। आप टेस्ट के लिए यहाँ पर मैगी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ अच्छे से डाल के जो है सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएंगी तो यहाँ पर जो आलू और परवल है उसको डाल लेंगे। और ये बिल्कुल ही यूनिक रेसिपी है, और यूनिक तो नहीं कह सकते, थोड़ी बहुत अलग सी रेसिपी है, छोटी सी वीडियो है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ भी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से जो है पक चुकी हैं। तो यहाँ पर आलू और परवल को ऐड कर लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे जो है पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे हमारा आलू और परवल की जो सब्ज़ी है वो अच्छे से थोड़ा सा क्या करेंगे कि एक दो उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दो उबाल आने के बाद जो हमारी आलू परवल की सब्ज़ी है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो सीधा सर्व करके दिखाते हैं। कुछ रही हमारी सर्विंग, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ।